तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला के ऊपर। रात के 8 बज चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो फाइनेंशियल फॉर्मूला आज का हमारा टॉपिक है। अब जैसे कि बता दूं, फाइनेंशियल फॉर्मूले की अगर लिस्ट को देखें, कैटेगरी लिस्ट को अगर आप देखते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले की, तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी है फॉर्मूले। देखिए, सारे फॉर्मूले करना जो है मतलब कि जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास फाइनेंस का बैकग्राउंड चाहिए। आपके पास क्या, मुझे भी फाइनेंस की बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन जो फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ती है उन फॉर्मूले को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और फॉर्मूले इसमें सीखना चाहिए, तो उसका लिस्ट आप मुझे भेज दें, फिर हम उन फॉर्मूले पे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज की अपनी इस फॉर्मूले के ऊपर। तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोन की कैलकुलेशंस के बारे में जानते हैं। लोन की कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि लोन की कैलकुलेशन से हमें समझ में आएगी कि हमारे रियल लाइफ से मिलता जुलता है, तो हम लोन की कैलकुलेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला, जैसे कि प्रिंसिपल मान लीजिए कि 50,000 हमारा प्रिंसिपल है, राइट? तो प्रिंसिपल हमारा जो है वो 50,000 है। ठीक, इसका लेपो तो हम क्या करना चाहते हैं, ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारे पास 50,000 रुपीज है जिसको 10% के लोन पे हमने 5 सालों के लिए लिया हुआ है। तो हमें जस्ट पता करना है कि 5 सालों में हम मतलब कि कितना ईएमआई हर महीने दे, ताकि इसको हम कवर अप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पीएमटी का। पीएमटी रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, राइट? रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से। उसके बाद एनपीआर, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा पीवी हमारा ये है। पीवी इट मीन प्रेजेंट वैल्यू। सही से देखिए, रेट, एनपीआर मतलब टाइम, रेट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनपीआर हो गया टाइम, और आपका ये हो गया पीवी जो हो गया प्रेजेंट वैल्यू, राइट? तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। माइनस चीज को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एबीएस का फॉर्मूला।
एबीएस। ठीक है सर, लेकिन हाउ कैन आइडेंटिफाई, मतलब हाउ कैन ट्रस्ट कि भाई इसको, हाउ कैन चेक कि दिस रिजल्ट जो है सही है, वो चेक कैसे करें? चेक करने के बहुत मेथड है, लेकिन एक सबसे सटीक और देसी मेथड मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि 5000 रुपीज हमने लिया, 10% का इंटरेस्ट रेट है ईयरली, तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया 12 से। यहां भी हमने डिवाइड 12 से इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये ईयरली है, इसको मंथली हमने कन्वर्ट किया है। तो यहां पे हमने ईयरली कन्वर्ट कर दिया, मंथली सॉरी। देन मैं यहां पे मल्टीप्लाई किया इससे एंड प्लस कर दिया, रिजल्ट मंथ के एंड तक कितना आया, 5,416। और कैलकुलेशन कर रही है कि 1,062.35 रुपए हमने जमा किए, तो 1,062.35 रुपए हमने जमा कर लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता है ना कि नेक्स्ट मंथ में प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगी हमारी ईएमआई, तो जो मंथ के एंड में प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और जितना आप जमा करोगे वो माइनस हो जाएगा। और एक कंटिन्यू कहां तक चलेगा, 5 सालों के लिए है, तो 12-25 60 महीने। तो 60वें महीने आप देखिए बैलेंस जो है खत्म हो गया, देख रहे 1,053.1,062.52 रुपए। तो कुछ पैसे का डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3-5 के जगह पे देखोगे तो इसको अगर मैं इसमें करूं कन्वर्ट तो 2-2 है, तो ये कैलकुलेशंस मिलके कुछ पैसे का डिफरेंस दे देता है। तो पीएमटी फॉर्मूला और उसकी कैलकुलेशंस और उसको प्रूफ करने का हमारा देसी जुगाड़ आप लोगों को समझ में आया। मनीष गुप्ता जी सर, समझ में आया आपको? हाँ सर। और किसी को डाउट? विकास सर, ये जो, हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, ये 1,062.35 रुपए है, मतलब हर 60 मंथ तक हमें यही पे करने पड़ेंगे ना? ईएमआई तो यही होता है ना, मतलब सेम ही है ना वो तो? हाँ, ईएमआई तो सेम ही होता है ना, इंस्टॉलमेंट तो सेम ही होता है ना, इंस्टॉलमेंट भी चेंज होता है क्या? महीने नहीं नहीं सर, वो फ्लैट भी तो आता है ना, एक फ्लैट का सिस्टम भी होता है और एक उसमें तो होता है फ्लैट का सिस्टम, फ्लैट का सिस्टम राउंड कर देते हैं, लेकिन जब लास्ट ईएमआई जाती है ना तो उसमें से उसको हटा दिया जाता है। ओके सर, ठीक है ना, जैसे कि राउंड बैंक पैसा थोड़ी ज्यादा लगेगा, आप बैंक, आपको बैंक को भी हिसाब देना होता है ना, उससे भी तो ऑडिटर्स है, उससे भी तो कोई सवाल पूछेगा कि आपने कस्टमर से ज्यादा पैसा क्यों ले लिया। अब बैंक में सारा कैलकुलेशन तो सिस्टम करता है ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं करता है। तो यहां पे भी यही सेम सिस्टम हुआ है, राइट? अब बात करते हैं कि मैं यहां पे आपका हो कि ईएमआई हमने दे दिया, राइट? अब मुझे यहां पे ईएमआई निकालना है, एफबी फ्यूचर वैल्यू मेरे पास है, मतलब कि मैं एक आरडी अकाउंट, जो रैकरिंग अकाउंट होता है ना, और रैकरिंग अकाउंट खुलवा रहा हूं, और मुझे इन फ्यूचर में रैकरिंग अकाउंट से 50,000 रुपए की रेट चाहिए। बैंक बोल रही है कि रैकरिंग अकाउंट को 7.5% मुझे देगा, 7% देगा मान लीजिए, और मैंने बोला भाई मैं 3 साल तक चला सकता, तो मैं कितना महीना जमा करूं आरडी जो कि 3 सालों में 7% की इंटरेस्ट रेट पे 50,000 हो जाए।
अब देखिए क्वेश्चंस यहां पे उल्टा हो चुका है, यहां पे पैसे पहले मिल रहे हैं मुझे और हमें देना बाद में, यहां पे पैसे पहले देना है और हमें इकट्ठा बाद में मिल रहा है, लेकिन दोनों में हमारा पीएमटी का फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहां भी मैं पीएमटी का फॉर्मूला ही लगाऊंगा, तो पीएमटी का फॉर्मूला रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और यहां पे पीवी ब्लैंक होगा और एफबी पे 50,000 लगा जाएगा। तो 1252 रुपए 19 पैसे अगर हम मंथली जमा करते हैं तो 7.7% के इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों में 50,000 रुपए का डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ईएमआई, मैं चाहता हूं 2,000 रुपए महीना जमा करना टाइम 3 सालों के लिए और बैंक रेट दे रही है 7%, तो कितना रुपए जमा होगा? अब यह की कैलकुलेशन समझिए कि मैं 2,000 रुपए महीना जमा कर रहा हूं तो यहां पे लगेगा फॉर्मूला एफबी का, मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इसमें रेट डिवाइड हो जाएगा 12 से, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से और पीएमटी यहां पे हो जाएगा आपका 2000, तो 79,860 रुपीज जमा होगा, राइट है, मिलेगा, मतलब कि 2,000 रुपए बन के आएगा अगर हम मेरे जमा करते हैं। अब कुछ लोग अपना फाइनेंशियल क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सोच रहे होंगे कि मैं इतना रुपए जमा करूंगा जितना मिलेगा, तो प्लीज वो अपनी इन्वेस्टमेंट सोचिए मत अभी फिलहाल, फिलहाल समझिए कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पता चलेगा गलत कैलकुलेशन करके और इन्वेस्टमेंट गलत कर ले। क्या विकास जी? हाँ सर, मैं हम जब कॉल पुट पे निकालते हैं तो इसी तरीके से निकालते हैं एनएससी के अंदर। ओके, तो अब इसमें ये हो गया। दूसरा होता है कि मैं ईएमआई के रूप में जमा नहीं करना चाहता हूं, मैं टर्म डिपॉजिट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 50,000 रुपए मैं जमा करूं, रेट जो है 7.9% का मिल रहा है बैंक से और टाइम उन्होंने बोला कि मैं 5 साल के लिए जमा, तो यहां भी पीवी का फॉर्मूला लगेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। पीवी फॉर्मूला में रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 12, टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12 एंड पीएमटी ब्लैंक होगा और पीवी आपका हो जाएगा 50,000। पीवी मतलब कि 50,000 रुपए भी हम जमा कर रहे हैं ना, तो 74,119 रुपए आएगा। एफडी होती है फिक्स डिपॉजिट? हाँ, टीडी होता है, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं बैंक के भाषा में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना, मान लो मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं अभी मैं कितना रुपया जमा कर दूं ताकि इतने साल बाद मुझे इतना रुपए मिल जाए, मैं इतना से रिटायरमेंट के तौर पे मुझे इतना मिल जाए, मैं एक ही बार जमा करना चाहता हूँ महीने के हिसाब से नहीं, मतलब कि मुझे फ्यूचर में चाहिए जो चाहिए वो चाहिए, मान लीजिए कि 50 लाख चाहिए, इससे कम क्या सोचूंगा मैं, और रेट जो है बैंक बोल रही है 7.9% और मैं 10 साल ज्यादा काम करने वाला हूं नहीं, बुढ़ापा आ रहा है अभी तो मेरा, तो अभी मैं कितना प्रेजेंट में क्या जमा करूं, तो उसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला पीवी का, पीवी रेट डिवाइड बाय 12
टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 एंड यहां पे पीवी जो होगा फ्यूचर वैल्यू ये हमारा याद रहेगा। तो 22,70,167 रुपए यार, इतना पैसा जमा करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। समझ गया सर? सर ये अमाउंट ज्यादा जा रहा है ना? ज्यादा कैसे है? सही तो है 2,27,55,000। नहीं, 2 करोड़ का है, 22 लाख है। 22 लाख का है सर? 22,75,100 नहीं, हाँ तो ये ज्यादा है ना, ऊपर 22 लाख ज्यादा है सर, ऊपर 5 करोड़ हो गया वो। हाँ अब सही है, बस ये 22 लाख। हाँ क्या करें सर, कीबोर्ड पे उंगली दबाने में कुछ ज्यादा थोड़ी है, अब कीबोर्ड पे उंगली दबाना है, चेक पे साइन थोड़ी करना है सर। अपन अभी तो कीबोर्ड पे दबा देंगे, लेकिन अगर एक्चुअल टीम सोचेंगे तो मामला गड़बड़ जाएगा। बोल रहे हैं ना, कीबोर्ड पे एक फिगर दबाना है, चेक पे थोड़ी लिखना है, जो हाथ कांपेंगे यार इतना पैसा लिखूं मैं चेक पे। सही है। नहीं एक बार मैं ऐसे ही इंसेंटिव कैलकुलेट कर रहा था तो स्लैम ने ज्यादा रख दिया था, एक बच्चे ने बोला था ऐसा। सर कई बार हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है कई बार, टाइप करते करते किसी की जगह किसी को फॉलो लग जाता है। एक बार मैं इंसेंटिव कैलकुलेट करना सिखा रहा था तो एक बच्चे ने बोला सर इतना इंसेंटिव मिलता कहाँ है यार, सोचोगे तभी तो मिलेगा, सोचने में क्या जा रहा है, कोई मुझे जेब से थोड़ी नहीं। सही बिल्कुल ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब ये तो हो गए हमारे कैलकुलेशंस। अब मान लीजिए कि आपको रेट निकालना है, तो रेट के लिए आपके पास रेट का फॉर्मूला है जिसमें आप टाइम को मल्टीप्लाई करो 2 से और पीवी आप डालो और यहां एफबी आप डालो। ध्यान रखिए पीवी या एफबी में कोई एक माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस में दोनों कर दोगे तो फिर रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा। अब 1% मंथली आया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आपका एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे आपको रेट निकालना है तो आपके पास रेट का फॉर्मूला होता है रेट। अब रेट में हम क्या कर रहे हैं, एनपीआर जो हमारा है इसको लिया हमने कॉमा, इसको मल्टीप्लाई बाय ये करना होगा ना 12। पीवी हमारे पास ए है और एफ बी हमारे पास ए है। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। रेट एनपीआर, ओके एनपीआर हमने गलत ले लिया होगा। तो रेट ही लगा दिया दोबारा मैंने, माफ कीजिएगा, हमें इक्वल एनपीआर इसमें रेट मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 होगा, पीएमटी नहीं होगा, पीवी इसमें हमारा हो जाएगा ए, एफबी हमारा हो जाएगा ए। ठीक है 120 महीने डिवाइड बाय 12 तो 10 साल राइट। अरे जनरल करने का शॉर्टकट क्या था अभी आपने? कंट्रोल शिफ्ट 1 ओ सॉरी कंट्रोल शिफ्ट 1 ना, उससे पहले होता है 1 2 3 वही होता है, मैं तो कुछ भी दबा देता हूं। ओके okay. अच्छा ठीक है, सर जी ये इन जो नेट प्रेजेंट वो होता है एनपीआर आईआर हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी ये भी फॉर्मूला है क्या इसमें? हाँ इसमें आईआर का फॉर्मूला है ना, आईआरआर है सर, रिटर्न द इंटरनल रेट ऑफ सीरीज कैश फ्लो। ठीक है ये ना, इसमें वैल्यू एंड गेस, आपने वैल्यू डाल दिया और गैस आपने डाल दिया, परसेंटेज डालना होता है 10, मैंने 0.10 डाल दिया,
ठीक है, वही तो होगी। कोलोजिस्ट में होता है, माफ कीजिएगा। ये इसका तो फॉर्मूला मुझे पता था, एक रुकिए, मुझे फाइनेंशियल फॉर्मूले बहुत सारे पते नहीं है। देखिए ये देना होता है, माफ कीजिएगा, इसमें आपका ये देना होता है आईआर में कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का कॉस्ट क्या है, नेट इनकम फर्स्ट ईयर, नेट इनकम सेकेंड ईयर, नेट इनकम थर्ड ईयर, नेट इनकम फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ये आपने 5 सालों का डाल दिया और डेटा को आप सिलेक्ट कर दीजिए तो ये आएगा इन्वेस्टमेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इतना परसेंट है या इतना परसेंट है, 5 ईयर का या 4 ईयर का, समझे, ये होता है। गलत कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल जो है आपने लगाया आप 50,000, राइट, पहले साल आपको जो है उसने 3500 रुपए का प्रॉफिट दिया, दूसरे साल आपका जो है वो 6000 का प्रॉफिट दिया, तीसरे साल जो है वो 800 का प्रॉफिट हुआ, चौथे साल जितने साल का लगाना चाहो, जरूरी कि 5 साल ही हो, ये आपका 1200 का प्रॉफिट दिया, और छठे साल जो है ये आपका मान लीजिए कि 4500 का प्रॉफिट दिया, ये 5वें साल मान लीजिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट क्या है, तो इस केस मिलेगा IRR। इसमें आप अपना रिटर्न आपने 5 सालों का सेलेक्ट किया तो ऐसा क्यों आ गया सर, ये वो है, समझ आ गया सर, मेरे को याद आ गया, ये नहीं, यही है, आता यही है ये सर। पता है क्या होता है, ये MBA उसमें बताया हुआ है हमें, ये इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के काम आता है सर। नहीं नहीं नहीं, तो फॉर्मूला ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, ये कम बेसी हो गया इसलिए, आता है वैल्यू, ये नम का एरर क्यों आ रहा है, नंबर है ना, कम बेसी तो हो रहा है, सब वाली नेगेटिव है, वही तो कर रहा हूँ मैं, काफी कम यूज करता हूँ, 12% माइनस का है, ठीक है, ठीक है सर। तो एक ग्रोथ रेट होता है, इसे फॉर्मूले को बहुत कम यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें एक और फॉर्मूला आपका है, यहाँ पे ये मॉर्गेज है, ये आपका ये निकालता है जो डिप्रेशन अकाउंट है असेस्ड ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड का ये आपका डिप्रेशन निकालता है, ये आपका DDBB भी सेम काम करता है, ये आपका डिप्रेशन असेस्ड करता है एक पर्टिकुलर पीरियड को, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग, इसके लिए आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपका एक और है, मतलब कि इसको डीबी भी आपका सेम डिप्रेशन अकाउंट में निकालता है, ये आपका फिक्स डिक्लाइन मेथड के अकॉर्डिंग करता है, समझ गए, ये सारे फॉर्मूले हैं। एक बार अपने हिसाब से सारे फॉर्मूले को हेल्प में जाकर देख लीजिएगा, कोई फॉर्मूला आपको लगता है कि हाँ ये फॉर्मूला हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इस सबको सिखाने चलोगे तो फिर इसको हम इसके पीछे का मैथमेटिक्स बताना पड़ेगा ना सर। हर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से होता नहीं, मुझे तो मोस्टली फॉर्मूले आते हैं, और नहीं तो हम उसको हेल्प से देख के जान जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें MCA में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये इसका है, जैसे मैंने इसको देखा पता चल गया कि डिप्रेशन निकालता है, ये निकालता है, इस तरह से बाकी फाइनेंस में कराए हुए थे हमें।
हाँ मैं भी जो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, एक ही सब्जेक्ट था फाइनेंस का हमारा एमसीए में, ये सब चीज हमने पढ़ी थी उसमें। नहीं सर, हम तो एमबीए फाइनेंस से था ना मैं, तो आपको तो पढ़ा हुआ है मैंने बस। बेटर जानते हैं इसके बारे में। तो एक एक एसओआईबी है, ये भी डिप्रेशन निकालता है, ठीक है ना, ये डिजिट डिप्रेशन से बोलते हैं इसको। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग है आपका, तो ये आप एक देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई आपको लगे, यील्ड आपका एक यील्ड भी है सेम काम करता है, इसी यील्ड और यील्ड ऑन सिक्योरिटी दैट पेज पीरियड इंटरेस्ट रेट भी दिखाता है। एक यील्ड मैट है, यील्ड मैट देखिए ये एनुअल यील्ड ऑफ सिक्योरिटी दिखाता है, तो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी बॉन्ड की उसके लिए होती है। एक आपका है जो आपने भी दिखाया है इंटरनल रेट, एक आपका एक होता है एक्स आई आर भी होता है, ये सर दो इंटरनल रेट को कंपेयर करता है। हाँ तो आपने साथ देखिए जो बॉन्ड की यील्ड है इसको जरा बताइएगा थोड़ा सा। बॉन्ड की यील्ड देखिए, यील्ड जो है ये आपका होता रहता हूँ क्या करता है, इसकी हेल्प पे जाके देख लेता हूँ। इसमें सबसे पहले सेटलमेंट की सब किस्तमेंट हुआ, सेटलमेंट कब हुआ, मेजोरिटी कब हुआ, रेट क्या था, और ये आपका प्राइस पर 1000 फेस वैल्यू क्या है वो बता रहा है। डिविडेंड एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हम जो डालते हैं ये अब यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली यील्ड इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग फॉलो करता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए जैसे कि अगर कोई ये है सेटलमेंट डेट, अगर मान लीजिए 15 फरवरी 2008 का है, मेजोरिटी 2016 की थी 15 नवंबर को, परसेंटेज ऑफ कूपन 5.75% है, और उसका प्राइस जो है वो 95 है, और रिडेम्पशन वैल्यू $100 का है, और फ्रीक्वेंसी जो है सेमी एनुअल है, फ्रीक्वेंसी इट मींस सेमी एनुअल मतलब कि एनुअल सेमी एनुअल वो होता है। और जो बेसिस दिख रहे हो ना, आपको याद होगा मैंने आपको एक बार डे 60 का फॉर्मूला पढ़ाया था, डे 360 का, तो उसमें आपको जीरो सेलेक्ट किया तो डे 360 के अकॉर्डिंग चलता है, 30 दिन का महीना लेता है और 360 का साल लेता है, वन करते हो तो जो कैलेंडर ईयर अकॉर्डिंग चलता है, और इसको अकॉर्डिंग सिक्वेंस सेलेक्ट करोगे ये बताएगा कि यील्ड ऑफ बॉन्ड विद द टर्म ऑफ अबव 60.6.5% होगा, ठीक है। समझ में आया सर? अब इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को समझना पड़ेगा जो कि देख रहे हो। तो एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कल हम क्या करेंगे, डेटा मेनूबार एंड डायनेमिक नेम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राइट?